हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु छाबड़ा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं इस मेकअप लुक का ट्यूटोरियल। इस लुक को आप अपनी सभी रेड्स और पिंक ड्रेसेस के साथ वियर कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ रेड लिपस्टिक लगा लेंगे तब भी ये बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इसे पेयर किया है न्यूड पिंक लिप्स के साथ। सो गाइस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। पर उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं आज अपना आई मेकअप करूँगी, बिकॉज जब हम ग्लिटर यूज़ करते हैं तो बेस मेकअप थोड़ा सा मैसी हो जाता है, इसलिए आज मैं पहले आई शेडो करूँगी। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का पेंट पॉट इन दी शेड सॉफ्ट ओकर। बहुत ही अच्छा आई शेडो प्राइमर है। अगर आपके आईलिड्स पिगमेंटेड हैं तो काफ़ी अच्छे से ये ब्लर आउट कर देता है। और इसे मैं सेट कर लूँगी लूज पाउडर से। आई शेडो के लिए मैं यहाँ पर अपना ब्यूटी ग्लेस्ट का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ये लाइट पीचिश कलर लूँगी और इसे एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश पर अपने ट्रांजिशन कलर की तरह यूज़ करूँगी। यहाँ मैं मॉर्फी का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ये कलर काफ़ी लाइट है, इसलिए मैंने इसे 2-3 बार अप्लाई करके ब्लेंड किया है। देन मैं ये रेड कलर ले रही हूँ और यहाँ पर मैं एक छोटा स्टिफ ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और इस कलर को अपने कॉर्नर्स पर पैक करूँगी पहले। उसके बाद इसे धीरे धीरे मैं ब्लेंड करूँगी और अपनी क्रीज में लेकर जाऊँगी। बहुत ही सॉफ्टली मैं इसे ब्लेंड करूँगी बिकॉज काफ़ी पिगमेंटेड है ये कलर। एकदम छोटे छोटे स्ट्रोक्स में मैं इसे क्रीज में ब्लेंड करूँगी। देन मैं यहाँ अपना मॉर्फी का पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से मैं एक ये ब्राउन कलर ले रही हूँ। आप कोई भी ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हैं जो थोड़ा सा वार्म साइड पर हो। और इस कलर को मैं अपने कॉर्नर्स में पैक करके क्रीज में ब्लेंड करूँगी। अपने आई शेप को फॉलो करते हुए ही मैं इसे सिर्फ पहले कॉर्नर में पैक करूँगी और उसके बाद इसे क्रीज में लेकर जाऊँगी। बहुत ही स्लोली मैं इस कलर को बिल्डअप करूँगी। अब मैं अपनी क्रीज को कट करूँगी और इसके लिए मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आज मैं हाफ कट क्रीज ही करूँगी। अब मैं यूज़ करूँगी ब्यूटीफुल ब्लिंगी और अफोर्डेबल प्रोडक्ट। ये है स्विस ब्यूटी के लूज पिगमेंट्स। बहुत ही अच्छे पिगमेंट्स हैं गाइस, बिल्कुल आपको ग्लू की ज़रूरत नहीं है, आपके स्किन पर एज इट इज़ स्टिक हो जाते हैं। इसकी शेड रेंज भी काफ़ी अच्छी है, नायका पर अवेलेबल है। मैं जो शेड यूज़ कर रही हूँ इसका नंबर है 07। बहुत ही अच्छे लूज पिगमेंट्स हैं गाइस, आप इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। देन मैं अपना मॉर्फी का दूसरा पैलेट यूज़ करूँगी और इसमें से मैं ये डार्क पिंक बर्गेंडी कलर यूज़ कर रही हूँ। ये शिमरी शेड है, इसलिए मैं इसे फिंगर से लगा रही हूँ ताकि मुझे अच्छा पिगमेंट मिले। नेक्स्ट मैं स्मॉल ब्रश की हेल्प से इस कलर के एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ ताकि बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन लगे ग्लिटर्स के साथ और कॉर्नर कलर के साथ, ये बिल्कुल ब्लेंडेड दिखे। अब मैं यहाँ पर एक टीनी माइनी ब्रश यूज़ करूँगी और थोड़ा सा मैंने इस पर ब्लैक आई शेडो लिया है, ये मैट आई शेडो है, और इसे मैं अपने कॉर्नर्स में ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ही छोटे स्ट्रोक्स में मैं इसे ब्लेंड करूँगी और कॉर्नर में एक छोटा सा वी बनाने की कोशिश करूँगी ताकि मेरी आई शेप जो है और एनहेंस हो। अब मैं अपने फेस को क्लीन कर लूँगी एक वेट वाइप से, क्योंकि जब हम लूज ग्लिटर्स यूज़ करते हैं तो काफ़ी फॉल आउट हो जाता है। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरा फेवरेट पैक का ऑयल प्राइमर, बिकॉज विंटर्स में ड्राई स्किन है मेरी तो फाउंडेशन लगाने से पहले ये प्राइमर बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। और मैं इसे अच्छे से अपने फेस पर मसाज कर लूँगी। कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर। काफ़ी अच्छा कंसीलर है, बहुत अच्छी कवरेज भी देता है। और कंसीलर को मैं ज़्यादातर अपने फिंगर से ही ब्लेंड करना पसंद करती हूँ। आप चाहें तो ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर फिंगर से ब्लेंड करने पर काफ़ी अच्छी कवरेज आती है। और फाउंडेशन मैं यूज़ करूँगी मेरा पैक का HD फाउंडेशन, जो कि मेरा फेवरेट है। विंटर्स में ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, ड्यूई फिनिश देता है जो कि विंटर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ मैं मॉर्फी का फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अच्छे से सर्कुलर मोशंस में अपने फेस पर ब्लेंड कर लूँगी।
फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो कुछ देर में ही आपका फेस बिल्कुल केकी दिखने लगेगा। अपने फेस को मैं सेट करूंगी मेरे फेवरेट फिट मी लूज पाउडर से। और आईब्रोज के लिए मैं यूज कर रही हूँ बेनिफिट का कार्ब्राउ इन दी शेड 06। इसे मैंने रिसेंटली परचेज किया है गाइस, और ट्रस्ट मी ये बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन इट्स वर्थ द मनी। ये एक ब्रश के साथ ही आता है और आप देख सकते हैं कि कितना इंटेंस पिगमेंटेड है ये। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, स्मज प्रूफ है। और अपने फेस को वार्म अप करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हूला ब्रॉन्जर, जो कि सभी ब्लॉगर्स का फेवरेट है। ये भी मेरी न्यू परचेज है, मैंने इसे भी मिनी वर्जन में ही परचेज किया है। इसके साथ ब्रश भी है और काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल स्मूथली ब्लेंड हो जाता है और इसका कलर भी काफ़ी सूटेबल है मेरे स्किन टोन से। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ब्लश और इसे मैं अपने एप्पल्स ऑफ चीक से लेकर थोड़ा सा हाई तक लेकर जाऊंगी ताकि मेरा फेस थोड़ा सा लिफ्टेड दिखे। अब मैं अपनी लोअर लैश लाइन को भी स्मोक आउट करूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ अपना ट्रांजिशन कलर लिया है और उसके बाद की क्लिप फ्रेंड्स बाय मिस्टेक मुझसे डिलीट हो गया है। बेसिकली मैंने जितने भी ऊपर मैट शेड यूज़ किए थे अपने क्रीज में, उन्हीं को मैंने लोअर लैश लाइन पर ब्लेंड किया है और स्मोक आउट किया है। वाटर लाइन पर मैंने प्लम का काजल अप्लाई किया है। और हेयर कम्स माय फाइनल लुक। मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर लिया है, फॉल्सेस भी अप्लाई किए हैं। लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ किया है कलर पॉप का लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड बम्बल। अपने फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत ही अफोर्डेबल लेकिन काफ़ी अच्छा सेटिंग स्प्रे है ये, स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ब्लश पैलेट, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है ये। अगर आपको ब्लिंगी हाइलाइटर पसंद है तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसे मैं अपने फेस के सारे हाई पॉइंट्स पर लगाऊंगी। एंड यू कैन सी द ग्लो। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप ये लुक आपको अच्छा लगा होगा। गाइज प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, अगर आपको लुक्स अच्छे लगते हैं तो आपके कॉमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही एनकरेजमेंट मिलता है। फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट टू माई चैनल। अगर आप कोई और पर्टिकुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, इट मीन्स अलॉट टू मी। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अगर आपको मेरे लुक्स अच्छे लगते हैं तो। सो गाइस मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।